तो मैंने हाईएस्ट जो इसमें निकाला है विद एसी 29.5 का एवरेज निकाला है। 29.5 बाकी पहाड़ में इधर हमारा गढ़वाल साइड पूरा ये गई हुई है, केदारनाथ ऊपर टॉप तक बद्रीनाथ, तो पूरा सर्किट मैंने पूरा करा। उससे लास्ट ईयर फिर मैं लेके गया था 12 लाचला से थोड़ा और आगे तक। सो गाड़ी अगर थोड़ा लंबा चलती है तो मेरा मानना है कि शायद लोकल के कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट हो जाती है, खुल जाती है। मैं यही देखना चाह रहा था कैसी चल रही है, क्या हाल है गाड़ी के, अगर आपके पास ज्यादा बजट नहीं है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप लोगों का स्वागत है। आज हमारे साथ हमारे रावत जी हैं, मैं हूं देहरादून में माल देवता में। यहां पर जिम्नी की भी टेस्टिंग करी थी हमने, आपने शायद हमारी वीडियो देखी होगी। मैं यहां पर क्यों आया हूं, एक जबरदस्त गाड़ी का ओनरशिप एक्सपीरियंस लेने के लिए। हमारी गाड़ी के बारे में बातचीत हुई और मुझे इतना अच्छा लगा कि मैं यहां तक खींचा चला आया। गाड़ी कौन सी है वो भी बताऊंगा, और उससे पहले रावत जी बहुत बहुत स्वागत है चैनल के अंदर। रावत जी की गाड़ी है एस्प्रेसो। इस गाड़ी में खास बात एक ये है कि ये काफी ज्यादा चल चुकी है, लगभग 1,37,000 के आसपास 140 होने वाला है, 140 होने वाला है। और आपको चलाते हुए इसे कितना साल हो गया, सबसे पहले ये बताइए। ये जुलाई 2020 में हमने परचेस करी थी, तो लगभग 3.5 साल के आसपास। इतनी ज्यादा रनिंग का कारण क्या है? काम के सिलसिले में मैं इसमें रनिंग ज्यादा रही, रोज की डेली की रनिंग 100-125 किलोमीटर होती थी। अच्छा। फिर मेरे को घूमने फिरने का भी बहुत शौक है। अच्छा। तो मैं जाता रहता हूँ, कभी काफी सारी जगह मैं इसमें हो आया हूँ अभी तक, उस वजह से शायद इसकी रनिंग फिर लोकल में भी चली जाती है। अब देखिए, वीडियो बनाने का मकसद ये है, गाड़ी इतनी ज्यादा आपने चला ली है, गाड़ी में कितना खर्चा आता है, रनिंग कॉस्ट क्या है गाड़ी का, अभी तक क्या क्या पार्ट आपने रिप्लेस कर दिए, ये काफी जरूरी है। कोई नई भी लेना चाहता है या फिर कोई सेकेंड हैंड भी देख रहा हो तो उसको थोड़ा सा अंदाजा मिल जाएगा। अभी तक का सफर कैसा रहा है इस गाड़ी में, कभी दुखी करा इस गाड़ी ने, ये बताइए। नहीं, मेरा सफर अभी तक का बहुत बढ़िया रहा है, अगर मैं ओवरऑल एक्सपीरियंस की बात करूँ बहुत बढ़िया रहा है। कभी मेरे को एक पॉइंट ऑफ टाइम पे भी ये गाड़ी कभी कहीं खड़ी नहीं हुई है। अच्छा। अब मेरा जैसे ये रहता है कि मैं कभी भी रात हम चले जाते हैं, लंबा रनिंग है, कभी इमरजेंसी कुछ है तो रात को ही निकल गए, तो ऐसा कभी मेरे को महसूस नहीं हुआ कि कहीं पे गाड़ी ने कभी दिक्कत करी हो। जरूरी बात यह है कि 20 साल लगभग हो चुका है गाड़ी चलाते हुए, तो अगर मैं स्टेयरिंग पे बैठूंगा तो 1-2 किलोमीटर में पूरी गाड़ी के बारे में आपको जानकारी मिल जाती है। सही बात, कि गाड़ी क्या कह रही है। बाकी उसके अलावा तो मैं नहीं समझता इसका कुछ, मेरे को 1% भी कहीं पे इसने दुखी नहीं किया गाड़ी ने। अब देखिए, रिप्लेसमेंट किन किन पार्टों की अभी तक इसमें हो चुकी है, जैसे ब्रेक पैड होते हैं वो वियर एंड टियर वाला पार्ट है, क्लच प्लेट है, आपके टायर्स हैं, ये कितने बार चेंज हो चुके हैं? टायर की अगर मैं बात करूं तो ये स्टॉक टायर्स के बाद मेरा दूसरा टायर है, एक ही बार मैंने टायर चेंज करा है। स्टॉक टायर मैंने 70,000 लगभग चलाया था एंड उसके बाद ये चल रहा है, वो MRF ZBTV का कंपनी से जो आता है स्टॉक टायर था, ये MRF ZLX है, कंपैरेटिवली 400 रुपए ये महंगा है, तो मैंने ये डाला था और अभी तक ये चल रहा है। और अभी भी आप देख सकते होंगे रवि जी, ये अभी भी काफी बचा हुआ है, अगर आप इसको देखें तो आप क्या बोलेंगे, चल सकता है या इसको चेंज करना चाहिए? चलेगा 20,000 किलोमीटर के आसपास, तो मुझे लग रहा है कि आराम से चलेगा। तो बाकी 20,000 आप लगा लीजिए, कंपनी कंपनी ने बोला था 1.5 लाख किलोमीटर, मैंने मान के चला था, मैंने 1 लाख किलोमीटर एक दे देन इसमें मैंने इसके अलावा नॉर्मल सर्विस जो होती है उसकी वो करवाई है। सर्विस कहाँ होती है, मारुति सुजुकी? सर्विस मैं सुजुकी मेरा एक वैसे परमानेंट, हमारा काफी सालों से जो कर रहा है बंदा वही करता है, हमारी सारी गाड़ियों का, घर की जो गाड़ियां हैं, हम पे बुलेरो भी है और इससे पहले स्कॉर्पियो भी थी, तो सारी गाड़ियों का ही ओनली टेक्स केयर ऑफ इट, तो उन्हीं पे मैं करवाता हूँ, तो उनको पता भी रहता है गाड़ी के बारे में कि अगली सर्विस में मैंने क्या करना है। इसके मैं बात करूँ तो मैंने पैड्स जो रेगुलर सर्विस में 30,000-25,000 चलने के बाद चेंज होते हैं, ज्यादातर गाड़ी ये पहाड़ में चलाते हैं तो थोड़ा सा फ्रीक्वेंसी ज्यादा है चेंज होने की। हाँ, हो सकता है, वो बोल सकते हैं। क्लच प्लेट नहीं चेंज हुई है। अच्छा, ये चल चुकी है और अभी भी आप चला के इसको देखिएगा। लास्ट मंथ बोल लीजिए आप, मैं केदारनाथ लेके गया था इसे, तो उसमें मेरे को कहीं पे जरूरत महसूस नहीं हुई कि क्लच प्लेट मेरे को बदलानी चाहिए। सस्पेंशन मैंने इसके आगे फ्रंट वाले करवाए थे 1,05,000 के आसपास। खर्चा कितना आया था उसमें? उसमें मेरा खर्चा पूरा, मैंने इसकी मारुति की ऑथेंटिक जेन्युइन किट डाली थी, तो लगभग ये मान के चलिए अगर मैं सिर्फ पार्ट्स की कॉस्ट बोलूँ तो 17-18 हज़ार और विद लेबर वो 22-23 हज़ार के आसपास चले गया था। Okay. क्योंकि मैंने एवरीथिंग मैंने चेंज करवा दिया था, इंक्लूडिंग स्टेयरिंग असेंबली भी। अच्छा, हाँ जी। कहाँ कहाँ ये गई है, कहाँ कहाँ तक आप इस गाड़ी को लेकर गए हैं मैक्सिमम? देखिए, लोकल में तो चलती है, मैं उत्तराखंड का हूँ, देहरादून, कोटद्वार, वैसे हाँ। कोटद्वार है हमारा घर। अच्छा। हम कोटद्वार से बिलोंग करते हैं, UK 15 वहीं का नंबर है, तो कोटद्वार, देहरादून, दिल्ली, NCR, इधर इसको तो मैं लोकल ही मानूंगा एक तरह से, तो यहाँ चलती रहती है। बाकी पहाड़ में इधर हमारा गढ़वाल साइड पूरा ये गई हुई है, केदारनाथ ऊपर टॉप तक, बद्रीनाथ और अन्य जो बेल्ट है, जिले हैं उधर भी, कुमाऊं साइड में से चंपावत तक ले गया हूँ। अच्छा।
नैनीताल, अल्मोड़ा, कौसानी, रानीखेत, ये सब चंपावत तक भी ले गए। बाकी मैं ऐसे लंबा जो ले गया हूँ, मैं ऐसे उज्जैन महाकाल ले गया था अभी एक डेढ़ महीने पहले, एंड उससे पहले मैं ऐसे लास्ट ईयर स्पीति ले गया था। तो पूरा स्पीति मैंने करा था, वो दिल्ली टू दिल्ली 2000 किलोमीटर का रन था लगभग वो, शिमला होते हुए एंड मैं मनाली उतरा उसका, तो पूरा सर्किट मैंने पूरा करा। उससे लास्ट ईयर फिर मैं ऐसे लेके गया था बारह लाचला से थोड़ा और आगे तक। अच्छा। फिर उसके बाद मैंने थोड़ा इसमें इसको बारह लाचला से आगे इसलिए ले गया क्योंकि बर्फ बहुत थी तो, और रात भी हो गई थी, तो फिर हम वहाँ से वापस आ गए थे। रेस्ट मैं से राजस्थान में घुमा हूँ इसको लेके, हिमाचल में और जगह भी घुमा हूँ मैं, खजियार, डलहौजी उस साइड। अच्छा। वाला जो बेल्ट है उधर भी ले गया। तो आसपास इसके आसपास का आप ये मानिए कि आसपास ही अलीगढ़, यूपी। छोड़ा क्या है इसमें? अभी मैं अब इसको नेक्स्ट ईयर मैं प्लान कर रहा हूँ जून में, क्योंकि उस टाइम थोड़ा छुट्टी उट्टी भी रहती है, तो जून में आई एम प्लानिंग टू गो टू ये वाया जम्मू पूरा सर्किट, ले लद्दाख, जंस्कार वगैरह करने की मैं सोच रहा हूँ। जंस्कार अब देखते हैं, रिसर्च जारी है मेरी कि जा पाएगी नहीं जा पाएगी, बट चले जाएगी अगर चलाने वाला हो तो। अच्छा, कितने की ली थी? 5.5 लाख आप? 5.5 लाख। 5.5 लाख इसने वसूल दिए। मैंने हिसाब जोड़ा था, बल्कि अभी पहले तो 7.5 लाख रुपए का तेल इसमें डला चुका हूं। तो ये वसूल दिए। ये रिलायबल मशीन? बिल्कुल रिलायबल है आप, पर बशर्ते आप समय समय पे इसका काम कराते रहें, जब जो चीज मांगे वो कराते रहें। अगर एक तरीके से देखा जाए ये गाड़ी ऑल्टो ही है। ऑल्टो है, इसको थोड़ा सा ऊंचा कर दिया गया है, ऑल्टो का एसयूवी वर्जन आप इसको कह सकते हैं। बिल्कुल। तो इसके एडवांटेज मिलते हैं इस गाड़ी को? बहुत एडवांटेज मिलते हैं। आप टायर में भी फर्क है, सबसे पहले आप देखिए ऊंचा होने के साथ साथ टायर ऑल्टो से बड़ा है, ये 14 है मेरे ख्याल से, फिर ऊंची है। तो अब बात मैं करता हूँ स्पीति की, क्लियरेंस ज्यादा होने की वजह से। जहां मैं रुका था काजा में, तो काजा से हमने आना था चंद्रताल के बाद मनाली, तो एक पैच है बाटल से लेके पूरा आपका छत्रु तक, वो पैच बहुत बेकार है। तो जो हमारे जहां हम रुके थे, तो उन्होंने हम ये बोला कि रास्ता खराब है, आप टाइम से निकल जाओ, और कहीं कहीं पे मतलब 3-4 जगह पे आपको उतरना भी पड़ेगा गाड़ी से, बाकी लोगों को धक्का भी शायद हाथ लगाना पड़े, छोटी गाड़ी है। पर मैं एक जगह पे भी कहीं पे भी कोई बंदा नहीं उतरा है गाड़ी से। देखिए आत्मा इसमें ना ऑल्टो वाली है, ऑल्टो की कैपेबिलिटी आपने देखी होगी, काफी रील्स वगैरह बनती है, आपने सोशल मीडिया में काफी देखा होगा, आप इस गाड़ी को वैसा ही समझ सकते हैं। आगे कितना लंबा रखने का प्लान है इस गाड़ी को, क्योंकि यहाँ तो कोई टेंशन वाली बात नहीं है। यहाँ 5 साल और बढ़ जाएंगे इस गाड़ी के 15 साल चलाने के बाद, तो चल जाएगी इतना लंबा? देखिए रवि जी, दो चीजें हैं, चलने के लिए मेरा मन तो बहुत है इस गाड़ी को रखने का, अभी मैं रखूंगा इस गाड़ी को। ऐसा भी हो सकता है कि मैं इसे पूरा 15 साल रखूं, बीइंग एक गाड़ी घर में रहनी चाहिए, छोटी गाड़ी है, कहीं भी ले जा सकते हैं, और इसके साथ में एक बड़ी गाड़ी रखूंगा। जिस दिन मेरा मानना है जिस दिन ये गाड़ी खर्चा मांगेगी, उस दिन मैं शायद सोचूं कि इसको मैं निकाल दूं। आपको स्कॉर्पियो का बच्चा नहीं लगता आगे से? हाँ, इसको काफी सारे लोग बोलते हैं स्कॉर्पियो का बच्चा है, लॉर्ड एस्प्रेसो है। तो चलिए अब थोड़ा सा चलाते चलाते बात करते हैं, गाड़ी चल कैसे रही है इतना चलने के बाद वो भी देखते हैं, आ जाइए। इस गाड़ी की सीटिंग पोजीशन काफी हाई है, बोनट आगे दिखाई दे रहा है अच्छा खासा, एवरेज यहाँ पर शो कर रही है 21.1 किलोमीटर पर लीटर। एवरेज के बारे में मैंने आपसे पूछा नहीं शायद, एवरेज कितना देती है ये गाड़ी? मैं अगर लोकल की बात करूं तो 16, 17, 18 तक ये निकाल देती है। चला ये हिल्स में? नहीं, लोकल की बात, मैं देहरादून की मैं अगर बात कर रहा हूँ। अच्छा। तो एसी में 15, 16, 18 एज पर ट्रैफिक भी हम बात करें तो ये निकाल देती है। लोकल में हाईवे पे अगर हम चले जाएं इसको लेके, तो मैंने हाईएस्ट जो इसमें निकाला है विद एसी 29.5 का एवरेज निकाला है। 29.5? 29.5। हाँ जी, डेली जाते हुए मैं आपको बताऊं तो मैंने टैंक फुल कराया था देहरादून में, एंड जब मैं पहुंच गया था साकेत के पास, मेरे को जाना था, वो कोना है अगेन दिल्ली, पूरी दिल्ली क्रॉस करके आप जाते हैं, ऑलमोस्ट 250+ किलोमीटर है वो, तो मेरे सिर्फ 2 डंडे इसके फ्यूल इंडिकेटर में गिरे हुए थे, टोटल 10 डंडे होते हैं। और यार ये गाड़ी काफी लाइट चल रही है, लाइट इन द सेंस ऊपर चढ़ते वक्त इसमें कुछ ऐसा फील हो ही नहीं रहा है कि ये स्ट्रगल कर रही हो। थर्ड गियर में भी अच्छी खासी पावर है, लेकिन ये जो है ना इंजन माल फंक्शन लाइट ये हुआ है, इसका क्या रीजन है? हाँ, ये रवि जी, ये इंजन माल फंक्शन लाइट 95,000 के अराउंड ये आ गई थी, फिर मैं इसको जो मेरा मैकेनिक है तो मैंने उसके पास लेके गया, उसके पास कंप्यूटर वाला वो उसका खराब हो रखा था सेटअप, तो उसने बोला कि करवा लेना है इसमें, उसने जो बेसिक जो चेकअप था बाकी सारा कर दिया था गाड़ी का, तो उसने बोला कि ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ये इंजन माल फंक्शन लाइट आती है, ये आपको हर गाड़ी में 1 लाख किलोमीटर के आसपास या उससे थोड़ा पहले ये आपको आ जाएगी। अब मेरा मानना ऐसा है कि मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये कंपनी का कुछ
इसमें कुछ है कि गाड़ी यहाँ आए और कंप्यूटर लगे सेंसर कुछ बदले, क्योंकि अभी तक ये चल रही है, मैंने इसको नहीं करवाया है, आई हैवंट, मैंने इसमें कंप्यूटर नहीं लगवाया अभी तक, और ये चल रहा है 95 के बाद आप लगाइए 137, तो ऑलमोस्ट 40,000 ये हो चुका है। यार मैं एस्प्रेसो को ना पहाड़ों में पहली बार चला रहा हूँ, और ये कितनी इजी है यार, इतनी पतली रोड है ये ऑलरेडी, इसका स्टीयरिंग भी काफी स्मूथ है, काफी लाइट है। मैंने आपको बताया था कि वो अभी मैंने चेंज करवाया है, वो 1,05,000 रुपए, तो उस वजह से वो काफी स्मूथ है, और हल्के से इनपुट से अच्छा खासा रिस्पॉन्स कर। देखो आपने तो पैसे वसूल दिए इस गाड़ी के, आपने इतना लंबा चलाया, उसके बाद आपको क्या रियलाइज हो रहा है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं अभी भी, जितना पैसा पे करते हो उस हिसाब से क्या इसमें और अच्छा हो सकता था? बस एक चीज बोलूंगा रवि जी, सेफ्टी में काम करेंगे तो हाँ शायद माइलेज भी नीचे जाए, क्योंकि फ्रेम शायद हैवी हो जाएगा और चीजें हैवी हो जाएंगी, बिल्कुल होंगी, तो माइलेज थोड़ा नीचे जाएगा, बट इस गाड़ी को अगर ये सेफ्टी में काम करके लॉन्च कर दे 2-3 कम के माइलेज में भी, तो आई डोंट थिंक सो कि ये गाड़ी कहीं से कहीं तक पीछे रहेगी। कहने का मतलब है आपने इंजन रमा कर दिया अच्छी तरह, रमा बिल्कुल, जैसे बिल्कुल। कहते हैं कहावत है ना, इंजन रमा हो गया जी। सो गाड़ी अगर थोड़ा लंबा चलती है तो मेरा मानना है कि कुछ शायद लोकल के कंपैरेटिवली थोड़ा लाइट हो जाती है, खुल जाती है, और ऐसी जगह में आसानी से घूम भी जाती है, अगर आप रोड ज्यादा पतली भी हो तो कोई टेंशन वाली बात नहीं। इसमें रिवर्स कैमरा नहीं आता था क्या? नहीं, कंपनी देती नहीं है, रियर कैमरा के भी उन्होंने चार्जेस रखे हुए थे, तो मैंने जरूरत नहीं समझी, क्योंकि छोटी गाड़ी है, फिर बाकी सेंसर इसमें जरूर दिया हुआ है इन्होंने। न्यू गाड़ी के कंपैरिजन में जी क्लच थोड़ा सा हार्ड हो गया है, आपको भी महसूस हो रहा है? हो गया है जी, क्लच हार्ड हो गया है, बट पिकअप की मैं बात करूँ तो पिकअप में मेरे को इतना फर्क नहीं दिखा, 19-20 मैं बोलूंगा फर्क होगा एक्सेलरेशन, वो भी जब पहाड़ में आप चलते हैं, जब आप थोड़ा ऊपर चढ़ रहे हैं तो तब आपको महसूस होगा। अच्छा, गाड़ी काफी नैरो है और काफी ऊंची है, उसका डिसएडवांटेज का भी फील हुआ आपको पहाड़ों में स्पेशली? आप चलिए, आप तेज चल के देखिए, बिल्कुल बेफिक्र होके चल के देखिए आप तेज, बिल्कुल, अगर आप एंड टू एंड ये जो लाइन होती है इसकी साइड में, इस पे भी आप अगर लगा के चलना चाहें इस रोड पे, तो ये 45-50 तक आराम से कर लेगी। हाँ, कहीं पे जहाँ पे बहुत शार्प है वहाँ पे थोड़ा दिक्कत होगी, बट नहीं होती। फैक्ट ये अगर 1:40 की बात करें, एक लगभग 1,40,000 किलोमीटर की, तो पहाड़ों में इसका रन लगभग 50% आप मानिए। तो देखो यार, मैं यही देखना चाह रहा था कि कैसी चल रही है, क्या हाल है गाड़ी के, अगर आपके पास ज़्यादा बजट नहीं है तो क्या इस गाड़ी के साथ आप खुश रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे, काफ़ी रिलायबल मशीन है ये, इधर देख सकते हैं आप 1,37,232 किलोमीटर। आप सही बोल रहे थे, जो ये इसके डिस्क हैं जी, वो अजीब सी आवाज प्लस वाइब्रेशन दे रहे हैं पैडल जी, में जी। तो वो इसका डिस्क ही, अब मैं इस सर्विस, मैंने बताया था आपको 2,500 किलोमीटर अभी आने वाली है, तो उस टाइम पे मैं इसका जो डिस्क है वो चेंज करवा दूंगा, क्योंकि लास्ट सर्विस पे मेरे को महसूस हुई है कमी, तो मैकेनिक ने बोला कि अभी चला लो 10,000 और। अच्छा, तो मैंने आपसे शायद सर्विस कॉस्ट नहीं पूछा, ऑन एन एवरेज कितना आता है? बेसिक चीजें क्या होती है, आपका ऑयल चेंज होता है, आपका फिल्टर चेंज होता है, दैट्स इट, यही सर्विस पे यही होता है, बाकी साफ सफाई हो गई, बाकी चीजें टायर खुल के वो हो जाते हैं। अगर ये कॉस्ट, ये सारी कॉस्ट में जोड़ू, मैं बाहर करवाता हूँ तो ये मेरा अराउंड कहीं 3,500 से 5,000 के आसपास आता है। अच्छा, क्योंकि मैं कभी भी कोई भी पार्ट, एक तो मैं अगर मैं इंजन ऑयल भी डलवा रहा हूँ तो मैं जो बढ़िया क्वालिटी का होगा उससे ऊपर का डलवाता हूँ, क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि 10,000 से मेरा जैसे फिक्स है कि 10,000 पे एवरी 10,000 सर्विस होनी चाहिए, तो 10 से वो कभी कभार 11, 11.5, 12 भी हो जाता है, तो अच्छे इंजन ऑयल में ये एडवांटेज रहता है कि आपने डलवा रखा है तो चल लेती है गाड़ी, तो ऑन एवरेज मैं मानूँ तो 3,500 से 5,000 आपकी सर्विस कॉस्ट। पावर में ड्रॉप कुछ भी नहीं है इतना चलने के बाद, ये वैसे ही बिहेव कर रहा है जैसा नया इंजन करता है, वो मैं काफ़ी बार आपको बोल चुका हूँ, चढ़ाई के वक्त भी, अभी तो हम डाउनहिल जा रहे हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चल रही है गाड़ी अच्छी खासी, इसको रखने के मूड में है ये 15 साल तक, जो कि काफी अच्छी बात है। मुझे लग रहा है कि आप 3-4 लाख किलोमीटर तो चलाओगे एटलीस्ट इसको, है ना? बस रवि जी वही है मेरे को, बस एक अब जैसे मैं चलता हूँ, घूमने फिरने का शौक है तो एवरी ईयर 1-2 ट्रिप हो जाते हैं, तो अगर 500-700 हज़ार किलोमीटर चलने की बात है तो मैं आई प्रेफर कि मैं बाय रोड जाऊं, तो तब वहां पे थोड़ा मुझे यहां इसका एक डिसएडवांटेज ये लगता है कि सेफ्टी वाला, जो मैं पहले भी बोल चुका हूं, और थोड़ा देखिए छोटी गाड़ी है तो अगर बड़ी गाड़ी हो तो थकान में फर्क आता है, कंफर्टेबल ये थोड़ा वहां लैग करती है, ऊंची गाड़ी मैं इसलिए प्रेफर कर रहा हूं कि
कि हाईवेज में चलना है तो थोड़ा बड़ी गाड़ी हो या ऊंची गाड़ी हो। तो ये है दोस्तों एस्प्रेसो का ओनरशिप एक्सपीरियंस। बाकी कुछ मेरे से छूट गया होगा तो आप कमेंट में लिख देना, आपका जवाब वहाँ पर दे दिया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे मिलके, आपकी गाड़ी चलाकर, आपने काफी अच्छी तरीके से रखी है गाड़ी जी। और पैसा वसूल कर रहे हैं आप इससे जी। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू अगेन। ठीक है जी, नमस्कार, थैंक यू सो मच रवि जी।